हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप दिन में एक दो बार जब भी खाते हैं तो रोटी ज़रूर खाते हैं। तो ये रोटी आपके लिए किस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगर आपको पायल फिशर की प्रॉब्लम है तो ये रोटी आपके बीमारी को कर देगी बाय बाय। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना देर किए हुए वीडियो बनाना शुरू। चलिए, तो मैंने आटा लिया है, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, जो कि चक्के से लेते हैं या पैकेट वाला लेते हैं, जो भी आटा आप लेते हैं वो वाला आटा है ये। और यह देखिए व्हीट ब्रानिज में लिखा हुआ है। तो इसको ये जो चोकर होता है ये रेडीमेड आता है। अगर आपको दरदरा आटा मिल जाता है या चक्की पास में है आप पिसवा सकते हैं, तो बिल्कुल मोटा दरदरा लड्डू वाला आटा पिसवाते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इससे आटा नहीं पिसवा सकते तो ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इसे आप देखिए लिखा है इसमें ऐड टू आटा, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, काफ़ी लाभदायक होता है, फुल फाइबर होता है, ये फाइबर से भरपूर। देखिए ये देखिए कितना सुंदर ये आटा है, ये चोकर है। तो इसे आप एक कटोरी आटा लिया हमने तो एक कटोरी इसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए इसे ऐड करने के बाद देखिए ये रोटी हमारी जो होती है फुल फाइबर बनकर तैयार होती है। अगर कब्ज़ रहती है, अगर आपको कब्ज़ की वजह से पाइल्स हो गया है, फिशर हो गया है, तो ये बिल्कुल हमारे कब्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देगा। आप इसको लगातार अगर एक हफ्ते खाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा ये आपके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होगी। ये रोटी बहुत ही लाभदायक होगी क्योंकि इसमें ये व्हीट ब्रान पड़ा हुआ है। तो ये देखिए इसको मिक्स करेंगे और इसको हम आटा जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितना हमारा फुल फाइबर आटा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आप रोटी को बनाकर खाते हैं तो आपको अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ होगी वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए इसे हम गूँथ लेंगे और इसको गूँथने में थोड़ा सा ये है कि जैसे हम आटा गूँथते हैं तो उसे गूँथने का तरीका जो होता है, आटा को गूँथा और थोड़ा सा गूँथ लिया रख दिया, तो इसको अच्छे से हमें गूँथ लेना है। और नहीं गूँथ पाते हैं अगर आप, मतलब जैसे बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, तो इसको आप भिगा के थोड़ा गूँथ के इसे और इसे रख दीजिए, तब भी अच्छे से फूल जाएगा। और अगर आप गूँथ सकते हैं तो इसे अच्छे से गूँथ गूँथ कर छानेंगे तो आटा आपका बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा और इसमें फुल फाइबर युक्त आपकी रोटी बनकर तैयार होगी। तो रोटी तो सभी खाते हैं, लेकिन रोटी को हम किस तरह से खाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो आप इस तरह से रोटी, जैसे देखिए इसको अच्छे से गूँदना है, गूँदते गूँदते फिर इसे हमें इस पंच मार मार कर इसे अच्छे से गूँथ लेना है। तो इस तरह से देखिए ये इसका कलर जो होता है थोड़ा सा चेंज रहता है, क्योंकि इसमें ये चोकर जो मिक्स किया हमने तो थोड़ा सा कलर हल्का सा वाइट नहीं होता, थोड़ा सा वो ब्राउन कलर का हो जाता है और थोड़ा सा मोटा दरदरा आटा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये मैं इसको अच्छे से गूँथूँगी, तो इसे मसल मसल कर गूँथ लेना है। तो इस तरह की रोटी आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसका आप हलवा बना सकते हैं, इसका आप स्वीट डिश बना सकते हैं। ये जो चोकर है इससे हम तरह तरह की रेसिपी बना के खा सकते हैं। और जो कब्ज पाइल की भी प्रॉब्लम होती है तो ये आँतों में चिपकता नहीं है, आँतों की ये सफाई कर देता है। इसकी रोटी जो खाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से पेट को साफ कर देता है, मोशन क्लियर होगा और कब्ज़ पाइल्स की समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तो कब्ज़ पाइल्स की बीमारी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होती है, लेकिन जब बढ़ जाती है तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो शुरुआत में जब हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, जैसे कि खाने पीने का खास ख्याल रखते हैं, तो ये बीमारी बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाती है। तो इसलिए आप अगर रोटी खाते हैं तो रोटी को इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैंने रोटी का वीडियो और भी डाला हुआ है जो कि काफ़ी लाभदायक है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। और मैदा जैसी चीज़ें नहीं लेना है, जैसे मोटे आटा इसलिए खाते हैं क्योंकि मैदा होता है, महीन आटा होता है तो वो जाके आँतों में चिपक जाता है। तो इसलिए इसमें आप नमक डाल सकते हैं, अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। हमने बिल्कुल ऐसे ही गूँथ कर इसे तैयार किया है। देखिए जब पंच मार मार कर इसे गूँथते हैं तो आटा हमारा जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही
पाचक हो जाता है, बिल्कुल पच जाता है पेट में जाके। इसको अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप नहीं गूंद सकते तो आप इसे भिगो के रख दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। और अगर आप इस रोटी का यूज़ करते हैं तो आपको तेल, जैसे तेल, तली भुनी चीज़ें हो गई, नॉनवेज हो गया, मीट मसाला हो गया, लाल मिर्च हो गई, इनको आप सेवन कम से कम करें, पानी की मात्रा को बढ़ा दें तो ये रोटी आपको लाभदायक सिद्ध होगी। उसके बाद आप योगा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रोटी भी खाइए और अपने डाइट में काफ़ी चेंजेस करने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। रोटी भी खाना है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल भी रखना है। तो इसे हम देखिए, इतना गूंदने के बाद भी हमने इसे 10-15 मिनट रख दिया था क्योंकि अच्छे से ये फूल जाए, क्योंकि इसमें हमने जो चोकर मिक्स किया है वो बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे बच्चे भी खा सकें, बड़े भी खा सकें। तो इस तरह से देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है, बिल्कुल आटा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी रोटियाँ बनाएँगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही पंच मार के जब आटा गूंथते, इसका आप खास ख्याल रखें कि आपको आटे को पंच मार कर ज़रूर गूंदना है। इस तरह से आप गोल करके रख दीजिए। इसकी रोटी बनाना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि रोटी बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जो हम ये बर्तन लेते हैं इससे हम मोटा आटा नहीं लेंगे। मोटे आटे की रोटी बनाते हैं तो ये जो बर्तन लगाते हैं ये बारीक होना चाहिए। तो आप कितना भी दरदरा आटा हो या चोकर मिक्स किया हुआ आटा हो, आपकी रोटी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार होगी। आटे को आपको ज़रूर बारीक वाले आटे को इसमें बर्तन के रूप में लगाना है, तब कोई रोटी बनाने में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से रोटी फूलेगी भी और अच्छे से मतलब फटेगी नहीं। नहीं तो ऐसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल दिखती रहती है और मोटा मोटा दिखता रहता है वो, तो अच्छा नहीं लगता। और जब हम ये आटे से बर्तन लगा के रोटी बनाते हैं तो जब मोटे आटे की रोटी होती है, चोकर मिक्स किया हुआ आटा होता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ध्यान दीजिए, मैंने और भी वीडियो में बताया है इस तरह से रोटी बना के खाते हैं। इसे आप मोटा आटा, दरदरा आटा खाते हैं, आपके कब्ज पाइल से समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें अगर आप कब्ज और पाइल्स फिशर के पेशेंट हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे बीमारी को जो है काफ़ी ठीक कर देती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए रोटी हमारी बस बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारी रोटियों को बना लेंगे, बेलने में भी झटपट से ये बेल भी जाती है और बन भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो रोटियों को देखिए हम फटाफट से बना लेते हैं और रोटी को हम कवर में ही रखते हैं। तो ये देखिए रोटी का कवर हमने बनाया हुआ है। सबसे फर्स्ट बार जब हमने वीडियो डाला था तो रोटी कवर का ही डाला था। तो रोटी कवर में आप रोटी रखते हैं तो आपकी रोटी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, जो कि पसी जाती है, पसीने आ जाते हैं इसको तो भीग जाती है। तो इस तरह से आप रोटी कवर में रोटी को रखेंगे तो आपकी रोटी जो है वो ख़राब नहीं होगी, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो देखिए हमने रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा।